आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि आप स्पाइस मनी के वॉलेट से बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या चार्जेस लगते हैं, कैसे आप बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं और कैसे उसमें नया बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं। तो इस पूरी डिटेल को समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ सके। और इसके अलावा अगर आप स्पाइस मनी पर नए हैं और स्पाइस मनी पर काम शुरू कर रहे हैं तो ये जानकारी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वैसे अगर आप इस स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका हाल ही का शॉर्ट वीडियो अपलोड हुआ है चैनल पर, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं स्पाइस मनी के ऐप पर। तो ये हमारा स्पाइस मनी का ऐप है, हम इसको ओपन करेंगे। यहां पर हमारी अधिकारी आईडी डालकर आ जाती है, पासवर्ड हम डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। यहां पर हर बार लॉगिन होने के लिए आपको OTP डालना होता है, जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी सिक्योरिटी है स्पाइस मनी की तरफ से। लेकिन अगर कभी आपके मोबाइल में OTP नहीं आता है और आप इस पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो इस पर लॉगिन करने का एक और तरीका है। जब आपको 60 सेकंड हो जाते हैं यहाँ पर OTP नहीं आता है तो नीचे गेट कॉल का ऑप्शन आने लगता है, जहाँ पर आप कॉल करके भी अपना OTP जान सकते हैं और कॉल के द्वारा अपना OTP दर्ज कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा स्पाइस मनी का वॉलेट है जहाँ पर हम सारा कुछ काम करते हैं। अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हर किसी की जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि स्पाइस मनी वॉलेट से पैसे अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए क्या चार्जेस हैं और कैसे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे वॉलेट में अभी 20,711 रुपये हैं, तो हम इसको क्लिक करेंगे। सिंपल पैसों पर ही क्लिक करना है, यहाँ पर जहाँ पर पैसे लिखे हुए हैं वहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मूव टू बैंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको अपने बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वॉलेट से तो आपको मूव टू बैंक में जाना होता है। यहाँ पर अमाउंट डालनी होती है, यहाँ पर ट्रांसफ़र मोड सेलेक्ट करना होता है, IMPS या NEFT। तो IMPS ही हमेशा अधिकतर सेलेक्ट रहता है, उसी को हम करते हैं जिससे कि हमारे पैसे तुरंत हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पर मिनिमम 100 रुपये कर सकते हैं और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो यहाँ पर मेरा ICICI बैंक का बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है, जो कि मुझे चेंज करना है क्योंकि मैंने इस पर अभी 12,000 पहले ही किए हैं, तो यहाँ पर मैं नहीं करूँगा। इसके लिए मैं चेंज पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरा स्टेट बैंक का भी अकाउंट जुड़ा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप यहाँ पर नया बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो नया बैंक अकाउंट भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपल बैंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिमूव अकाउंट का ऑप्शन आता है, आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस पर पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो इसको सेट एज प्राइमरी पर क्लिक करूँगा, तो ये मेरा यहाँ पर प्राइमरी बैंक हो जाएगा। इसके बाद हम सिंपल बैक जाएंगे और बैक जाएंगे, यहाँ पर मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट शो होने लगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट टाइप जो कि सेल्फ है। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा अमाउंट जो कि मुझे डालनी है 20,000 और ओके कर दूंगा, यानी ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर चार्जेस की बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको चार्जेस क्या देने होते हैं। ट्रांसफ़र चार्जेस है 5 रुपये अप टू 25,000 तक, लेकिन अगर 25,000 से 2 लाख के बीच में करते हैं तो 10 रुपये देना होता है। तो हमको 25,000 से कमी करने हैं तो 5 रुपये चार्ज कट जाएगा, जो कि हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर केवल 2 ही सेकंड लगे और पैसा हमारे खाते में पहुँच चुका है, जो कि मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। जैसे हम बैक आएंगे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 706 रुपये बचे, जो कि पहले 20,711 थे, 5 रुपये कट गए, 706 बचे, 20,000 हमारे अकाउंट में पहुँच गए, जो कि आप यहाँ मैसेज पर देख सकते हैं। 12,000 पहले किए थे, 20,000 बाद में अभी किए हैं। उम्मीद है स्पाइस मनी के वॉलेट से बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने की ये प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी आपको कोई सवाल है स्पाइस मनी को लेकर या इसकी सर्विस को लेकर, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और एक लाइक भी ज़रूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो हर बार लेकर आता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।